यूकेजी की फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर हमारा है वर्णमाला। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि हमें भाषा बोलने में या लिखने में हमारी सहायता करते हैं। ये देखो स्वर, पहले क्या बोलेंगे, स्वर। स्वर कौन से होते हैं? ये वाले क्या होते हैं? स्वर। और ये क्या है? व्यंजन, जो कि कह गए होते हैं ना, ये क्या है? व्यंजन। तो स्वर बोलते आइए, आओ देखें। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई। ये इसको थोड़ा छोटा बोल रहे हैं, ई, और ये थोड़ा लंबा, ई। ई से ईख, ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ। ऊ से ऊ। री, री से ऋषि। ए से एडी। ऐ से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। ऐ से ऐ। ये क्या है हमारे स्वर? ये स्वर है। अब व्यंजन बोलेंगे। कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी, अण खाली, चैसे चम्मच, छैसे छाता, जैसे जहाज, झैसे झंडा, अण खाली, तैसे टमाटर, थैसे ठठेरा, दैसे डमरू, ढैसे ढक्कन, अण खाली, तैसे तरबूज, थैसे थर्मस, दैसे दवात, ढैसे धनुष, नैसे नल, पैसे पतंग, पैसे फल, बैसे बकरी, भैसे भालू, मैसे मच्छी या मछली, सॉरी मछली, मैसे मछली, यैसे यज्ञ, रैसे रथ या रस्सी, लैसे लट्टू, वैसे वन वन, सैसे सरगम, सैसे सिटकोर, सरसे सपेरा, ऐसे हल। अब ये क्या है? अक्षय त्रय, क्षय त्रिय। ये क्या है? त्रशूल, त्रशूल। ज्ञ ज्ञानी, ये श्रय। ये क्या है? श्रय। अब जी चार सब ये है, वर्ण है, ये चार क्या है? संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों से, ये सॉरी, से बनकर मिलकर बना है, तो ये क्या है? संयुक्त है। ये क्या है? क्षय त्रिय, त्र शूल, त्रशूल, ज्ञ ज्ञानी, और ये ज्ञ श्रय। ठीक है, हाँ बच्चों, अभी आपको नोटबुक में लिखने हैं, और बोर्ड पर लिखने हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि हमें भाषा बोलने में या लिखने में हमारी सहायता करते हैं। ये देखो स्वर, पहले क्या बोलेंगे, स्वर। स्वर कौन से होते हैं? ये वाले क्या होते हैं? स्वर। और ये क्या है? व्यंजन, जो कि कह गए होते हैं ना, ये क्या है? व्यंजन। तो स्वर बोलते आइए, आओ देखें। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई। ये इसको थोड़ा छोटा बोल रहे हैं, ई, और ये थोड़ा लंबा, ई। ई से ईख, ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ। ऊ से ऊ। री, री से ऋषि। ए से एडी।
आई, आई से एना, ओ से ओखी, औ, औ से औरत, अंग, अंग से अंगूर, ऐ से ऐ। ये क्या है हमारे स्वर, ये स्वर है। अब व्यंजन बोलेंगे, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी, अने खाली, जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा, अने खाली, तैसे टमाटर, थैसे ठठेरा, दैसे डमरू, धैसे ढक्कन, अने खाली, तैसे तरबूज, थैसे थर्मस, दैसे दवा, धैसे धनुष, नैसे नल, पैसे पतंग, पैसे फल, वैसे बकरी, भैसे भालू, मैसे मच्छी या मछली, सॉरी मछली, मैसे मछली, यैसे यब, रैसे रथ या रसी, लैसे लट्टू, वैसे वन वन, सैसे सलगम, सैसे सिटकोर, सर से सपेरा, ऐसे हल। अब ये क्या है, अक्षय त्रय, क्षय त्रिय, ये क्या है, त्रशूल, त्रशूल, ज्ञ ज्ञानी, ये श्रय, ये क्या है, श्रय। अब जो ये चार सब ये है वर्ण है, ये चार क्या है, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों से, ये सॉरी से बनकर मिलकर बना है, तो ये क्या है, संयुक्त है। ये क्या है, क्षत्रिय, त्र शूल, त्रशूल, ज्ञ ज्ञानी, और ये गैस है, ठीक है। हाँ बच्चों, अभी आपको नोटबुक में लिखने हैं और बोर्ड बोर्ड पर लिखने हैं।